डीएसपी सर, योर ज्योग्राफी इज पुअर. इट इज अनफॉर्चुनेट फॉर यू बीइंग एन आईपीएस. वेलकम करती हूँ फिर से अपने चैनल में. मैं हूँ लीना और फिर से एक नए अपडेट लेकर के आई हूँ आपके सामने. और उम्मीद है कि मेरे पिछले वीडियो पे आप लोगों को बहुत सारी अपडेट मिल गई होगी. और मैं बहुत, मेरे नॉर्थ ईस्ट ब्रदर, मतलब पूरे इंडिया से इतना ज़्यादा आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, तो बस ये जो जस्टिस है ना, तो बिल्कुल मैं आगे ले करके जाऊँगी. और जो भी मतलब मैं सबसे ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ कि एक भी मतलब बेड कमेंट्स नहीं आया है, यानी कि पूरे नॉर्थ ईस्ट, पूरे गारो, पूरे कम्युनिटी मेरे साथ है, पूरे इंडिया मेरे साथ है. और मैं इस आवाज़ को, जब तक कि ये आवाज़ सीबीआई के हाथ में नहीं जाएगी और जब तक कि इसकी जस्टिस नहीं मिलेगी, तब तक मैं आप लोगों के साथ हूँ और इस आवाज़ को आगे लेकर के मैं बिल्कुल आती ही रहूँगी. और पूरे मेरे नॉर्थ ईस्ट ब्रदर जो है ना, उन्होंने डिमांड की है कि जो ये केस जो है ना, ये दिल्ली पुलिस के हाथ में नहीं ले करके वो जो नॉर्थ ईस्ट के पुलिस के हाथ में दे दिया जाए ये केस, पूरे नागालैंड पुलिस को दे दिया जाए केस. तो बहुत सारी मेरे पास कमेंट्स आए हैं, तो मैं आज का जो मेरा वीडियो है ना, तो लेटेस्ट अपडेट के साथ ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. और बहुत सारे कमेंट्स जो है ना, तो वो सब मैं आपको दिखाऊंगी कितने सारे कमेंट्स आए हैं. और जिनका भी मतलब चैनल है, तो मेरे कम्युनिटी पे प्लीज़ आप एक मैसेज लिख दें, मैं सबको सब्सक्राइब कर लूँगी. और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं. और सपोर्ट क्या है, पूरे इंडिया में हम लोग मिलकर के बस जस्टिस चाहते हैं. और बहुत सारी कमेंट्स भी आई है, मैं दिखाती हूँ कि जो हमारे सुशांत सिंह को जस्टिस नहीं मिले तो फिर सैमुअल को क्या मिलेगा. ठीक है, जस्टिस नहीं मिली, लेकिन हम तो इस चीज को आगे लेकर के आएंगे. हो सकता है कि मिल जाए, क्योंकि देखिए ये जो केस जो है ना, ये सुशांत सिंह तो चलो वो तो उसको भी बस इसी तरह से बस केस बना, बहुत सारे उसमें हाई प्रोफाइल केस था, लेकिन हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग जब इस केस को पूरे सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रहा है वीडियो, और मैं चाहती भी हूँ कि आप लोग जितना से जितना शेयर करें तो लोगों तक पहुँचेगा. और जब एक तरह से पूरे इंडिया की आवाज़ उठेगी, तो हो सकता है कि कुछ तो मतलब जस्टिस मिलेगा, उनके मदर फादर को जस्टिस मिलेगा. और मैं सैमुअल और हमारे जो रोजी है, लेट रोजी, लेट सैमुअल जो हैं, मैं कहना चाहती हूँ उनके मदर फादर को कि देखिए बहन जी, हम लोग और आपके साथ हैं, और जहाँ तक होगा हम सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग की बातों को हम लोग आगे लेकर के आ रहे हैं. और ज़रूर उसका जो है ना जस्टिस हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बस एक कोशिश है सोशल मीडिया के द्वारा. इसमें हमारे बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट ब्रदर आज तो मतलब अरुणाचल से, बांग्लादेश से, कोलकाता से, बहुत सारे, और हमारे फिलिपिनों से भी ब्रदर सिस्टर लोग भी सामने आए हैं. तो सब जगह से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है. तो मैं प्रेयर करूँगी गॉड से कि जितना से जितना हो तो इस चीज़ को जस्टिस मिले. और बहुत सारे जो कमेंट्स हैं ना, मैं आपके सामने दिखाती हूँ. और जिसमें जिनसे थैंक यू सिसी कि आपका भी सपोर्ट मिल रहा है, हमारे टैमन का सपोर्ट मिल रहा है, बहुत सारे हमारे मेघालय से. मैं आज, ऐसा नहीं है कि आज मैं वीडियो बनाई हूँ जस्टिस के लिए तो लोग सब यहाँ पर मेरे फ्रेंड हैं. करीब मैं 2 साल से यूट्यूब पर हूँ, और मेरे मेघालय से मेरा कोना ब्रदर है, और टैमन मैरक ब्रदर है, उसके बाद से फिर बहुत सारे गोस्पाल जो सिंगर है हमारे, गोस्पाल ब्रदर है, बहुत सारे मतलब जिनसे सीसी है, तो बहुत सारे हमारे वहाँ से है. और सॉरी कि मैं सबका नाम नहीं ले सकूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं सबका नाम मेंशन करूँगी. तो बहुत सारे सनबेल टीवी ऑफिशियल है, सनबेल ब्रदर थैंक यू कि उन लोग का सपोर्ट मुझे करीब मतलब 1 साल से YT पे हूँ तो मिलता रहा है, बहुत शुरू से ही मिलता रहा है. तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि जब उधर जब इस तरह से उन लोग बहुत बेचैन है, बहुत उनको जस्टिस चाहिए, मुझे जस्टिस चाहिए, पूरी इंडिया को जस्टिस चाहिए, तो इस चीज़ को मैं आगे लेकर के आऊँ. और बहुत ज़्यादा स्वीटिंग हो रही है, बहुत इस तरह का न्यूज़ ना मतलब बहुत ज़्यादा अंदर से बहुत परेशान करता है. मतलब आप वीडियो भी बनाते हैं ना, तो बिल्कुल मतलब एक जो होता है ना अंदर से, जो एक इमोशनल वे में वीडियो बनाते हैं, तो बहुत मतलब दुख होता है कि इस तरह की जो है ना केस को दबा दिया जाता है. क्यों दबा दिया जाता है, क्या पैसे पे ही सारा कुछ दुनिया है, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि ऊपर गॉड जो है ना सब कुछ वाच करते हैं. अगर इंसान जो पैसे से सारे चीज़ को केस को दबाते हैं, लेकिन गॉड के पास इंसाफ है और ऊपर से इंसाफ मिलता है, लेकिन
चलिए जिनके बच्चे जाते हैं तो उनके माँ बाप को क्या परेशानी होती होगी, तो उनसे जाकर ही पूछिए कितना परेशान है। और एक जो श्यामूल थे तो वो दिल्ली के अल्तमस होटल में वो जॉब भी करते थे, वहाँ रहते भी थे 1 घंटा। उनके फादर का भी लेटेस्ट अभी मतलब बयान भी आया है कि रात को ही उन्होंने अपने फादर को फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने बोला कि बेटा घर चले आ। उसकी मम्मी ने भी बात की तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं अभी नहीं आऊँगा, मुझे अपनी आंटी को मतलब जस्टिस दिलवाना है। उसके बाद जब वो बहुत फ़ोन लगाए मॉर्निंग से, लेकिन कुछ नहीं, टिकट भी हो गया था उन्हें नागालैंड आने का और वो दीमापुर आने का, तो लेकिन जब वो फ़ोन लगाए तो बिल्कुल वो फ़ोन लगा नहीं। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, तो उन्होंने उनके फ्रेंड को फ़ोन लगाया, तब जाकर के जब उसके फ्रेंड वहाँ गए तो देखा कि वो पंखे से हैंक है। तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ये जो इतनी चोटें थी, इतनी जो मतलब क्योंकि जब उनकी जो फादर हैं तो उन्होंने पूरे वीडियो को बनाया है, पूरे वीडियो को वहाँ पर बनाया कि कम से कम ये केस को मतलब केस किया जाए इस पर कि ये चोट के निशान कैसे, ये तो बहुत मतलब शक का विषय बनता है कि इतनी चोटें कैसी थी। और दूसरा पॉइंट तो एक है कि रोजी है तो जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थी तो जब सीरियस थी, जब जो अंजलि नर्स अंजलि का बयान आया तो इतना ज़्यादा जब वो सीरियस थी तो उसे आइसक्रीम क्यों दिया गया। तो जब हमारे संवाददाता ने वहाँ पूछने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि नहीं, सामने एक पेशेंट आइसक्रीम खा रहा था तो हमने भी उसे वो डिमांड करने लगी, हम भी आइसक्रीम खाएंगे, तो फिर हमने भी मंगा के दिया। तो आईसीयू में मतलब इंटेंसिव केयर में मतलब कोई भी जाता है तो चप्पल खोल के भी जाता है कि एक डस्ट भी नहीं जाए, तो वहाँ आइसक्रीम कैसे पहुँचा। सबसे बड़ा सवाल तो ये हॉस्पिटल पे लगता है कि इतना मतलब ये मतलब किसी की जो एकदम कीड़े मकोड़े जैसी ज़िंदगी हो गई कि आप किसी के बच्चे को इस तरह से आप मार करके और आज सफाई दे रहे हैं। तो डॉक्टर श्यामूल अंजलि, आप लोगों को आगे आना पड़ेगा और हम पब्लिक हैं और बिल्कुल आप लोग की जो है करतूत को हम लोग बिल्कुल अपनी मीडिया के द्वारा आगे लेकर के आएंगे। और मेरे इस लड़ाई में प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जिससे लोगों तक ये बात पहुँची, लोगों में जुनून हो इस चीज़ को हम लोग आगे लेकर के आएँ। और मैं जब तक नहीं बैठूँगी जब तक कि मतलब जस्टिस मैं बस भगवान पे बस हम लोग सर्विस करें कि गॉड ऊपर से बस एक मासूम को जस्टिस दिलवाए, क्योंकि एक नहीं दो दो शिवलिंग की हत्या हुई है एक ही परिवार से, तो ये बहुत बड़ा जाँच का विषय बनता है। और उनके फादर का ये भी बयान आया कि जब वो मेरा श्यामूल गलत था तो वो हेल्प क्यों मांग रहा था, और पूरे लाइव वीडियो में है कि जब रोजी की मौत हुई तो उन्होंने 2-3 दुकान में जा करके हेल्प हेल्प की मतलब चिल्लाया है, वो और उसके रोजी का भाई अल्बर्ट। और तब तक वो जल्दी से हॉस्पिटल व अल्फा हॉस्पिटल के लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया कि आगे जो कार्रवाई हो, गलत तो वो पहले भी थे और अब की कार्रवाई हो तो कहीं हम लोग फंस ना जाए। तो उन्होंने जल्दी से पुलिस को फ़ोन किया, वैन बुलाया, उसकी बॉडी को लेकर के वहां से भेज दिया। तो क्या पेरेंट्स से पूछना उचित नहीं समझा? तो जितना ये है ना, अब मैं बोलूँगी जितना से जितना वीडियो आप लोग बनाए, वीडियो को शेयर करें, कम से कम एक माँ बाप को जस्टिस मिले। और बहुत सारे कमेंट्स हैं और बहुत सारे मतलब लोगों ने अपनी बातों को रखा है, तो मैं जो एक कमेंट्स जो है ना आपको दिखाती हूँ और सबका आंसर भी मैं देती हूँ। और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ मिलकर, मुझे और भी मतलब मैं अंदर से स्ट्रांग फील कर रही हूँ कि चलो, मुझे अंदर से सब लोग बोल रहे हैं कि देखो इस तरह से वीडियो बना रही है, बहुत सारे केस होता है तो किसी को जस्टिस नहीं मिलता है, लेकिन ये केस कहीं ना कहीं मेरी फैमिली से भी जुड़ा हुआ है। और क्योंकि 10 साल पहले मैं पहले भी बताई हूँ कि मेरे बड़े भाई के साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ था, और जब उनकी तबीयत ख़राब हुई फ्रेंड्स, तो मैं बता दूं कि जब हॉस्पिटल लेकर के हम लोग गए तो मेरे भैया को मतलब अंदर में शिफ्ट किया गया। उसके बाद से बाहर मैंने देखा कि एक पेशेंट है, करीब उसकी उम्र रही होगी 35 समथिंग, तो वो पेशेंट को सिर्फ फीवर था और हम लोग बस मैं थी, मेरी मम्मी थी और मेरे भाई थे, हम लोग बैठे हुए थे। तो एक पेशेंट आया, फीवर था उसको, तो वो उसको लेटा, तो डॉक्टर आए उसके बाद देखे, फिर नर्स वहाँ पे खड़ी थी, बोली कि देखो इसको फीवर है, इसको दवा दे दो। उसके बाद से हम लोग बैठे थे, तब नर्स आई, उसके बाद से वो अचानक से चिल्लाने लगा, बोला बहुत बेचैनी लग रही है, शायद उसका जो फीवर है ना वो सिर पे चढ़ गया था। नर्स उसको डांट रही है, ऐ चलो इस तरह से करोगे, उसके माथा में इस तरह से 2-2 थपकी देके उसको ज़बरदस्ती सुलाई। और मैं उसके बाद से नर्स वहाँ से चली गई, क्योंकि मेरे भैया आईसीयू में थे तो हम लोग बाहर ही बैठे हुए थे बाहर बेंच पर।
तो उसके बाद से क्या मैं देखती हूँ कि अचानक से उनकी आंखें, मतलब जो पेशेंट थे उनकी आंख बिल्कुल कभी खुले कभी बंद। तो मैं बेचैन हो गई, मुझे लगा, मैं दौड़ पड़ी, दौड़ के डॉक्टर के पास गई तो बोली कि नहीं नहीं कुछ नहीं, उसे दवा दे दिया गया है। विद इन 5 मिनट में फ्रेंड्स उसकी जो है ना डेथ हो गई। तो मैंने बहुत नज़दीक से ये सब चीज़ देखा है। तो बस इस केस जो है ना, और मुझे लगता है कि इस चीज़ की जस्टिस होनी चाहिए। और आप लोग मेरे साथ हैं, पूरे नॉर्थ ईस्ट मेरे साथ है, पूरे मेरे इंडिया मेरे साथ है, तो मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। बस आप लोगों का साथ रहे, आप लोगों का कमेंट्स आता है और इतना मेरे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है। और मेरी जो वीडियो, तो कल नीलाज किचन की जो है ना थोड़ा बहुत रेसिपी डालूंगी, और मैं जस्टिस के साथ साथ भी आती रहूंगी। और सबसे बड़ा जो है ना, नॉर्थ ईस्ट की बहुत खूबसूरत, आप लोग जो वहाँ पर रहते हैं ना, मन करता है कि मैं भी वहाँ जाऊँ, वहाँ घूमूँ, बहुत अच्छा लगता है। 1 साल से हूँ तो वहाँ पर लगता है मैं भी जाऊँ, और वहाँ की जो चीज़ें है ना वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं तो मैंने बोला है कि वहाँ की जो रेसिपी है वो मुझे सिखाओ, और मैं कोशिश करूंगी नीलाज किचन में आपको दिखाऊं। पता नहीं आप लोग का जैसा बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। बहुत वहाँ की रेसिपी मुझे, चटनी है और बहुत सारे बैम्बू जो पिकल होते हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उसके साथ मैं आपके, लेकिन जो हमारी लड़ाई है जस्टिस की, उसको पहले पहले हम लोग, जहाँ तक ये केस हो, जहाँ तक इसकी आवाज़ है, हम लोग आगे लेकर के आए। तो चलिए कुछ कमेंट्स को मैं दिखाती हूँ आपके सामने, और सबकी जो है ना, और किसी का भी कमेंट्स छूट गया तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए कमेंट्स के साथ, और जो है ना, मुझे जिसने भी फ्रेंड बनाया है तो सबको मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जो भी मेरे साथ फ्रेंड बनना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आए हैं ना, तो मेरे कम्युनिटी पे एक मैसेज कर दें, मैं आपको फ्रेंड बना लूँगी। कोशिश करूँगी रेगुलर आपके साथ फ्रेंड रहूँ। बहुत, मतलब मुझे बहुत पसंद है आप लोग मेरे नॉर्थ ईस्ट ब्रदर सिस्टर, मुझे बहुत शुरू से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग बिल्कुल मेरे फैमिली जैसा बन जाए। तो मुझे कम्युनिटी में पोस्ट कर दें, मैं आपको जाकर सब्सक्राइब कर लूँगी और आपके फ्रेंड बन जाऊंगी। तो चलिए मैं कमेंट्स थोड़ी पढ़ लेती हूँ और उसका आंसर भी देती हूँ। और देखिए, ये सबसे पहला कमेंट है डोनलाइन सैंगमा का है। थैंक यू सिस्टर फॉर योर वॉइस एंड आर ब्रेव वुमेन, गॉड ब्लेस यू। और थैंक यू ब्रदर, और ब्रेव तो आप लोगों ने बनाया है कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है। और यहाँ है प्रिंगटन मैरक है हमारे, थैंक यू मैडम, गारो लोग के लिए इतना सपोर्ट किया आपने। और ब्रदर, मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि गारो नॉर्थ ईस्ट, वी आर ऑल इंडियन, और हम लोग बस एक दूसरे से मिल करके ये सपोर्ट करके ये जस्टिस करेंगे। और हमारे हैं पिंटू मेरी संगमा है, वी वांट जस्टिस, लेट सैमुअल संगमा, यस श्योर ब्रदर, वी वांट जस्टिस। एंड हमारे हैं मैनलम वेंगसू है हमारे, इंडिया गवर्नमेंट शुड बी टेक विथ एक्शन सून, या श्योर ब्रदर। और यहाँ पर है बेरेनी लेटन मैरिक है हमारे साथ, वी मस्ट फाइट ऑल ओवर इंडिया एंड नीड टू बी क्लोज द एल्फा हॉस्पिटल, दे नेवर चेंज देयर हैबिट, दे विल किल अगेंस्ट समवन। या ब्रदर, यू आर राइट, अगर इस एल्फा हॉस्पिटल पे एक्शन नहीं लिया गया तो किसी और की भी हत्या कर सकते हैं। एब्सोल्युटली राइट कमेंट्स ब्रदर। एंड हमारे हैं बहुत सारे सैंगमा ब्रदर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डिम्पल्स शर्मा हमारे साथ है, एंड गॉड नोज इफ एनीवन कैन गेट जस्टिस एज ए सुशांत सिंह राजपूत, हु इज सो विल नो गेट जस्टिस कैन। एंड हाँ, ये सवाल तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि सुशांत सिंह को जस्टिस नहीं मिलेगा, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ डिम्पल शर्मा कि देखो, उनको जस्टिस नहीं मिला, बहुत हाई प्रोफाइल ये केस बना दिया गया था, लेकिन वी आर मिडिल क्लास फैमिली, तो इसको हम लोग अपने सोशल मीडिया के द्वारा कुछ तो, देखो दो सिबलिंग की हत्या हुई है तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर, मतलब इस पर एक्शन लिया जाएगा। और हमारे साथ हैं सचिन मैरिक ऑफिशियल हैं, बहुत अच्छा मैडम, हमको मदद करो, मदद नहीं ब्रदर, ये देखो, ये जो है ना मदद, हम लोग इंडियन हैं और हम लोग बिल्कुल इस आवाज़ को आगे लेकर के आएंगे। और द डेड कैन नॉट क्राई आउट द जस्टिस, इट इज़ ए ड्यूटी ऑफ द लिविंग एंड सो फॉर देम डोंट क्राई ब्रदर, और वी ऑल इंडियन वांट जस्टिस। और हमारे साथ प्रीटेम डेबोरेमा है, आई वांट जस्टिस ब्रदर आई ऑल्सो, और अच्छा हुआ दीदी जी, जो हमने जस्टिस चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल हमारे साथ, हमको
मदद करो। मदद नहीं ब्रदर, ये देखो ये जो है ना मदद, हम लोग इंडियन हैं और हम लोग बिल्कुल इस आवाज़ को आगे लेकर के आएंगे। और द डेड कैन नॉट क्राई आउट द जस्टिस, इट इज़ ए ड्यूटी ऑफ द लिविंग एंड सो फॉर देम डोंट क्राई ब्रदर, वी ऑल इंडियन वांट जस्टिस। और हमारे साथ प्रीटेम डेबोरेमा है, आई वांट जस्टिस ब्रदर आई ऑल्सो, और अच्छा हुआ दीदी जी जो हमने जस्टिस चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ वाईफाई है और हमारे साथ जी मिक्स टीवी है, गुड लक, वी वांट जस्टिस फॉर लेट सैमुअल संगमा, या श्योर ब्रदर वी ऑल इंडियन वांट जस्टिस। और हमारे साथ विकास मोमिन चरण है, वी वांट जस्टिस। और बहुत सारे हैं, देखिए मैं सबका, किसी का नाम अगर छूट गया होगा तो बिल्कुल आप लोग मैं माफ़ी चाहती हूँ, और नेक्स्ट वाले ब्लॉग में ज़रूर उनका नाम मेंशन करूँगी। हमारे साथ हैं सुजोय दास भी हैं, आप सही कह रही हैं बिल्कुल ब्रदर। और हमारे साथ हैं साधना ब्यूटी ब्लॉग जो है, जो बहुत अच्छी हमारी जो है ब्यूटी ब्लॉगर है साधना, थैंक यू। और ये हमारे जो है ना डेली लाइफ अपना डालती हैं, तो उनका भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है मेरे साथ, थैंक यू साधना। और हमारे साथ MHK गेमिंग है, आई एम ऑल्सो नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा, थैंक्स मैडम। बहुत सारे कमेंट्स बांग्लादेश फिलीपीन, बहुत सपोर्ट आप लोग का मिल रहा है। तो देखिए मैं सारे कमेंट्स देखिए इस तरह से मैं दिखा रही हूँ। और हमारे साथ जो है ना विल्सन एन नेपेक है, जो पहले से मेरे फ्रेंड है, थैंक यू ब्रदर फॉर सपोर्टिंग। और देखिए इस तरह से बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं, तो मैं सबके कमेंट्स मैं दिखाऊंगी नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। और जो है ना इसी तरह से जो है ना आप अपना जो अपनी जो बातों को मेरे सामने रखें, तो उस चीज़ को मैं आगे और लेकर के आऊँगी, और मेरे कम्युनिटी पे पोस्ट ज़रूर कर दें, जिससे मैं जो है ना आप अगर आपकी भी अगर जो चैनल है मैं सब्सक्राइब करूँगी, हम लोग मिल करके काम करेंगे। और चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वाले कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए सबसे फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। और मेरे से कुछ भी गलती हुई बोलने में तो ब्रदर सिस्टर में माफ़ी चाहती हूँ, और बस जस्टिस चाहिए, उस चीज़ को हम लोग को मिल करके लड़ना है। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।